ये जो अगला इंफॉर्मेशन है, अगली इसको इलैबोरेट करने में, समझाने मेरी मदद करें। अमिताभ सर आप बैठे, मैं आपके पास आऊंगा। पीके श्रीवास्तव सर ऊपर आ सकते हैं। लेकिन ये बात जब पूछी गई भारत से कि आप वन चाइना पॉलिसी के संदर्भ में क्या कहते हैं, हिंदुस्तान ने इसको रिटरेट नहीं किया। हिंदुस्तान ने कहा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो समय के साथ बदलती नहीं है, उनमें कंसिस्टेंसी है, और ये बात हम यहां दोहराना आवश्यक नहीं समझते कि हिंदुस्तान का ओपिनियन क्या है। ये अहम खबर देखिए। ताइवान के नजदीक चीन की बड़ी घेराबंदी। ताइवान ने 15 चीनी जेट्स और 5 वॉरशिप ट्रैक किए। 4 चीनी जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन क्रॉस की। 8 एंटी सबमरीन प्लेन्स ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन किया। स्ट्रेट ऑफ वॉर। अब जरा देखिए किसके साथ कौन है, ये समझना बड़ा आवश्यक है। यहां पर देखिए आप, चीन के साथ जो बहुत क्लियर कट हैं वो रूस है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान, आयरन ब्रदर और ईरान। इधर ताइवान के साथ क्लियर कट कौन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन भारत इसमें तटस्थता बनाए हुए है। यह आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने यह तटस्थता बनाई हुई है। जो उसे करना चाहिए वो कर रहा है, जिसको टेसिटली करना चाहिए टेसिटली कर रहा है, जिसको ओवर्टली करना चाहिए वो कर रहा है। वन चाइना पॉलिसी के समर्थक देश देख लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। युद्ध की स्थिति में नेटो देश ताइवान के साथ होंगे, ये बात भी अपने आप में स्पष्ट है। और पश्चिमी देश चीन के खिलाफ खुलकर ताइवान के साथ आ गए हैं। और ये भी कि ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप पर पश्चिमी देश निर्भर हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है जो ताइवान की सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों को एक वजह देता है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि इंडो पैसिफिक कई कंट्रीज ऐसी हैं जो सीधे सीधे चाइना, वन चाइना पॉलिसी जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी पीके श्रीवास्तव सर के साथ, और उन्होंने कहा कि यह भी तो क्लियर हो कि ये वन चाइना ताइवान के संदर्भ में कहा जा रहा है, ताइवान मेनलैंड के साथ वन चाइना या मेनलैंड ताइवान के साथ वन चाइना, यह भी तो क्लियर होना चाहिए। हालांकि उन्होंने तमाम जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज, उसमें किरीबाती को छोड़ दीजिए, वनुआतु को छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए सोलोमन आइलैंड को जो चाइना के फेवर में है, बाकी सब ने तो ये कहा है कि इस तरीके की स्थिति में तनाव टाला जाना चाहिए और इसके लिए जो भी जरूरी है वो किया जाए। मैं पीके श्रीवास्तव सर ये समझना चाहता हूं कि जब से ये दौरे और ये टेंशन ज्यादा बढ़ा है, क्या कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन अख्तियार कर लिया, जिसकी जो पोजीशन थी वही है अभी? देखिए, लोगों ने वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि फेंस सिटिंग हो रही है कि जिस तरफ घटनाक्रम ले जाएगा हम उस तरफ लड़क लेंगे, ये तो रही वन चाइना पॉलिसी। अब बात आती है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है साउथ चाइना सी के ऊपर आपको कंट्रोल या वर्चस्व किसका रहेगा, ये खास मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो ताइवान को बचाता है, जो उसकी नाभि है, आप समझ लीजिए वो उसकी चिप प्रोडक्शन है, जो उसके एडवांस चिप्स हैं उसके लिए वो 90% चिप्स ताइवान में बनते हैं और वही जाते हैं। $160 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ, वही जाते हैं वहाँ के उनके अपने एयरक्राफ्ट में, मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, रॉकेट्स में, टैंक्स में, सारे सिस्टम से वही जाते हैं। अगर आपने उनको नष्ट कर दिया तो आपका क्या होगा, आपके वेपन सिस्टम का क्या होगा? पूरा जो वर्ल्ड है अभी उसने उसको रिलोकेट करके कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा है, तो इसलिए ताइवान के ऊपर हमला होना नामुमकिन है। सेकेंडली एक और मैं बता दूं, ताइवान की एक ज्योग्राफी है, बहुत क्विकली बता रहा हूं कि उनका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको आप कहेंगे, अगर वेस्टर्न छोड़ करके ईस्टर्न पार्ट 70% हिली है, जैसे आपने एक दिखाया था कि एक रनवे है उसका सारे जहाज हिल के अंदर में, उनको अटैक करके आप कैसे खतर, डिफेंसिव पोस्चर के लिए ताइवान इज द बेस्ट कंट्री ज्योग्राफी, डिफेंसिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए जियोग्राफी सपोर्ट करती है ताइवान को, और तमाम चीजों को चीन भी खातिर में ला रहा होगा, इसीलिए लगामें अभी खिंची हुई है।